रमजान की सबसे बड़ी तैयारी क्या है कि अपने दिलों को साफ कर लो पहले से, कि जिस दिल में नफरत हो, बुग़्ज़ हो, किसी के लिए गुस्सा हो, किसी के लिए क्या क्या जज्बे हों, दिल साफ करना। हमारे घरों में रोज़ाना झाड़ू होता है, यहाँ मदरसे में रोज़ाना सफाई होती कि नहीं होती? क्योंकि दुनिया की असल गंदगी है, तो झाड़ू हाथ से नहीं छूट सकता। हरम शरीफ में देखा कैसे चारों तरफ खुद्दाम फिर रहे होते हैं बुरश लेकर। तो दिल पे गुबार ऐसे आता है जैसे सहन में गुबार आता है, दिल पे गंदगी ऐसे आती है जैसे सहन में आती है। तो हमने निज़ाम बनाया हुआ है, लोग मुकर्रर हैं, वो रोज़ाना झाड़ू देते हैं। तुम्हारा दिल एक आंगन है, एक सहन है, इसमें बुग़्ज़, नफ़रत, हसद, पता नहीं क्या क्या गंदगियाँ आएंगी और आती रहेंगी। बच्चों एक काम करो, झाड़ू पकड़ लो, साफ करो। या अल्लाह, मामला तुझसे करना है, लोगों से नहीं। किसी ने बुरा कहा, किसी ने गीबत की, किसी ने गाली दी, किसी ने धक्का दिया, किसी ने हक मारा, किसी ने कुछ किया, या अल्लाह तेरे सपोर्ट, मैंने अपने दिल को सबसे साफ किया, मैंने अपने दिल को सबसे साफ किया। ये इतनी बड़ी इबादत है कि बड़े बड़े नफलों वाले, तहज्जुद वाले, हज उमरे रोज़े वाले तुम्हें नहीं पकड़ सकेंगे, क्योंकि इसका करने वाला दुनिया में कोई नहीं। नफल पढ़ने वाले तो बेशुमार हैं, उमरे करने वाले बेशुमार हैं, उलमा बेशुमार हैं, हाजी बेशुमार हैं, सखावत करने वाले बेशुमार हैं, लेकिन इस टुकड़े को साफ करने वाला लाखों में एक भी नहीं है। मुश्किल काम है, आप ये सीख लें। साफ करो, साफ करो, साफ करो। ये रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी और इल्म को हासिल करने की सबसे बड़ी चाबी है कि अपने दिल को खुला कर लो। कोई चीज़ खाली होगी तो कुछ आएगा। जिस दिल में बुग़्ज़ भरा हो, नफरत भरी हो, हसद भरा हो, कीना भरा हो, उसमें खाक आए, उसमें तो इल्म की एक किरण भी नहीं आएगी। उस जबान से चाहे जितने मर्जी मोती बखेरे, दिल उसका अंधा होगा। ला तअमल अबसार वलाकिन तअमल कुलूब अल्लती फिस सुदूर, ये आंखों से अंधे नहीं, दिल से अंधे हैं। तो बच्चों अपने दिल को साफ करना सीखो। वो कितनी मशहूर हदीस है, आपने कहा इस दरवाजे से एक जन्नती आ रहा है। तो एक अंसारी सहाबी दाखिल हुए, जूता हाथ में, दाढ़ी में वजू का पानी। अगले दिन इस दरवाजे से एक जन्नती आ रहा है, तो एक सहाबी आए, हाथ में जूता, दाढ़ी में वजू का पानी, वही सहाबी। अगले दिन इस दरवाजे से एक जन्नती आ रहा है, तो वही सहाबी तीन दिन जन्नत की बिशारत लिए। इस सहाबा की जमात में एक शख्स हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस। इनसे बड़ा इबादत गुजार सहाबा में कोई नहीं था, ना साबिकीन में, ना मुताखरीन में, ना पहलों में, ना बाद वालों में। इनकी इबादत क्या थी? सारी रात जागना, सारे दिन का रोज़ा और एक ख़त्म कुरान सुबह से शाम तक। इतनी अल्लाह ने ताकत दी थी। फिर वो गुलूब वाली बात आ गई, एक्सट्रीम होने वाली बात आ गई। इनकी शादी, शादी वाली रात हजला अरूसी में दाखिल हो रहे हैं, दुल्हन के कमरे में दाखिल हो रहे हैं और मुसल्ला बिछा के अल्लाह अकबर, और दे नफल ते नफल, दे नफल ते नफल। तो उनकी बेगम ने देखा, तो वो भी खैर का जमाना था, उन्होंने भी वजू किया और पीछे मुसल्ला बिछा के वो भी फजर तक नफल पढ़ते रहे। सुबह हुई तो हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, बेटी रात कैसी गुजरी? कहा जी माशाल्लाह, आपके बेटे तो बड़े इबादत गुजार हैं, सारी रात नफलों में ही गुजरी। तो वो उनको शिकायत कर दी। हज़रत अमर बिन आस को इतना गुस्सा चढ़ा, वो बेटे को तो कुछ नहीं कहा, कितनी हिकमत की बात है, सीधे गए अल्लाह के नबी के पास, या रसूलल्लाह ये अब्दुल्ला देखें कैसा नादान है, इसकी शादी की सारी रात नवल पढ़ता रहा। तो आप कहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी बड़ी बात है।
नफलों में गुजर गई, रात भी नफलों में गुजर गई। तो आपने हजरत अब्दुल्ला बिन अमर को बुला के डांटा कि तूने महीने में 3 दिन रोजे रखने हैं, बस इससे ज्यादा नहीं रखने, और हफ्ते में 1 कुरान खत्म करना है। कहा या रसूलुल्लाह मेरे अंदर ताकत ज्यादा है। फिर अच्छा 15 दिन रोजे रखने, कहने मेरे अंदर ताकत ज्यादा है। आप उसको थोड़ा थोड़ा करके घटाते रहे और वो हर दफे नहीं या रसूलुल्लाह मेरे अंदर ताकत ज्यादा है। तो आखिर में आपने कहा अच्छा चलो 100 में दाऊदी पे आ जाओ, 1 दिन रोजा रखो, 1 दिन इफ्तार करो और 3 दिन से पहले कुरान खत्म नहीं करना। तो आपने उसको पीछे किया। ये बैठे थे उस महफिल में, इनके दिल में आया क्या ये बुजुर्ग मुझसे ज्यादा इबादत करते, रात मैं सारी जागता हूं, दिन रोजा रखता हूं, 1 खत्म करता हूं, तो जन्नत की बशारत तो मुझे मिलनी चाहिए थी, इनको कैसे मिल रही। ये किसी किताब में नहीं लिखा कि ये उनका जज्बा था, लेकिन जो कि मैं उनकी सीरत को जानता हूं तो मुझे ख्याल आता है कि उनकी नफ्सियात में ये बात आई होगी, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को ख्याल आया कि मैं जाके देखता हूं कि ये बुजुर्ग क्या करते हैं। तो उनके पास पहुंच गए, चाचा जरा, वो अधेड़ उम्र थे, चाचा वो मेरे अब्बा थोड़े नाराज हैं तो कुछ दिन आपके पास गुजार लो। का बेटा बिस्मिल्लाह आ जाओ। अब रात होते ही ईशा की नमाज पढ़ के उन्होंने जल्दी से चादर ऊपर ली और यूं सुराख करके उन चाचा को देखने लगे ऐसे कर, अब ये क्या गल सारी रात सजदा करेगा और सारी रात रोते 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 मुसल्ला गीला हो जाएगा, या सारी रात रुकू करेगा, सारी रात क्याम करेगा, सारी रात कुरान पढ़ेगा, इस तसव्वुर से यूं देख रहे। और वो बुजुर्ग साहबी तशरीफ लाए, सराने पे सर रखा, अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुंह तो वह आहिया हो गए। अब ये देख रहे हैं अभी उठेंगे अभी उठेंगे अभी उठेंगे, उठे फजर की अजान पे उठे। अब ये तो हैरान परेशान हो गए, ये क्या हो? उस जमाने में तो मुनाफिक तहज्जुद नहीं छोड़ते थे डर के मारे कि पता ना चल जाए हमारे कुफर का। तो ये चाचा जन्नत भी ले गया तो सुत्ता भी पिया कि चलो कल देखूंगा। अगली रात फिर चादर सर पे करके और यूं सुराख करके बैठ लेटे हुए और देख रहे। चाचा फिर तशरीफ ले और सिराने पे सर रख, अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुंह तो वह आहिया हो गए। फजर की अजान पे उठे, ये और परेशान हो गए कि मेरा नबी का फरमान तो सच्चा है, उसमें तो शक भी कुफर है, लेकिन अमल क्या है जिस पर इसको जन्नत की बशारत मिली? 2 रकात नफल भी नहीं। और आज के दौर में तुम में से माशाल्लाह अक्सर बच्चे तहज्जुद पढ़ते हैं, क्या 1 रात और देखूंगा, तीसरी रात अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुंह तो आई सारी रात। तो तीसरी रात फट पड़े अब्दुल्ला बिन अमर, कह लेंगे चाचा मेरी अब्बा से कोई लड़ाई नहीं थी, 3 दिन मैं तेरे बारे में सुनता रहा, जन्नती जन्नती जन्नती, मैं देखने आया था कि आप क्या करते हैं, आप तो कुछ भी नहीं करते हो, सारी रात सोते रहते हो, अब क्या करते हो? उनका बेटा यही है जो तुमने देखा है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये जोड़ कैसे बैठा हूं, इधर जन्नत की बशारत इधर सारी रात खराटे, अब ये इसमें जोड़ कैसे बैठा हूं, क्योंकि नबी की बात तो गलत हो नहीं सकती। तो अब वो ना ऐसे ना बड़े बेदिल से होकर वापस मुड़े, भाई पता नहीं की चक्कर होगी कोई गल। जब वो दरवाजे तक पहुंचे तो कह लेंगे बेटा इधर आना, वापस आ गए। कहा मैं तुम्हें असल राज की बात बताता हूं। कह क्या है क्या है? तो यहां हाथ रखा, कहा ये जो दिल है ना इसमें किसी इंसान की नफरत नहीं। और जब अल्लाह किसी को रिस्क देता है इज्जत देता है मुझे कभी हसद नहीं हुआ, मुझे खुशी होती। तो अब्दुल्ला बिन अमर ने कहने था हाँ ये बात है नहीं, उनका हाजा हुआ, उछल के कहने लगे हाजा हुआ, हाँ 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 यही है यही है यही है।
फिर कहने के चाचा पर ये मेरे बस का नहीं है, कौन करेगा ये, इतने बड़े आदमी होकर कह रहे हैं कि ये मेरे बस का नहीं। तो बच्चों, दुनिया में जन्नती बनना है।